नमस्कार, पिथौरागढ़ समाचार में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबरों में प्राकृतिक मानव जनित आपदा से निपटने के लिए इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम IRS के अंतर्गत जिलाधिकारी रीना जोशी की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें विशेषज्ञ BB गणनायक द्वारा प्रदेश में पूर्व गठित हुई आपदाओं का चित्रों के माध्यम से जानकारी देते हुए आपदा के दौरान उत्पन्न होने वाली विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों व उनसे निपटने की तैयारी रखे जाने को लेकर अधिकारियों को जानकारी देते हुए दायित्वों के बारे में बताया गया। इसके उपरांत नगर के कुमार क्षेत्र में 6 रिएक्टर स्केल का भूकंप आना दर्शाया गया। भूकंप से विद्यालय भवन में 35 लोगों के दबे होने की सूचना पर जिलाधिकारी व अन्य अधिकारियों के मार्गदर्शन में प्लानिंग सेक्शन द्वारा राहत व बचाव कार्य की योजना तैयार की गई। प्लानिंग के अनुसार लॉजिस्टिक एरिया पुलिस लाइन में रेस्क्यू संसाधनों को जुटाते हुए टीमें घटनास्थल को रवाना हुई। मार्गडील के उपरांत जिलाधिकारी ने अधिकारी को संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी आपदा के घटित होने पर शीघ्र प्रतिक्रिया दिया जाना बेहद जरूरी है। आपदा से निपटने की पूर्व प्लानिंग से निश्चित रूप से बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। इस अवसर पर ADM FR चौहान, PD DRD आशीष पुनेटा, DDO रमा गोस्वामी, SDM अनुराग आर्य, DDMO भूपेंद्र मेहर सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर लोक निर्माण विभाग फील्ड कर्मचारियों का कल यानी बुधवार से शुरू होने वाला आंदोलन लोनीबी अधिकारियों और संगठन के पदाधिकारियों के मध्य हुई वार्ता के बाद स्थगित कर दिया गया है। यह जानकारी संगठन के जिलाध्यक्ष नंदकिशोर जोशी ने देते हुए बताया कि कर्मियों की विभिन्न मांगों को लेकर अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की गई। उचित कार्रवाई के आश्वासन के बाद बुधवार से प्रस्तावित आंदोलन को स्थगित कर दिया गया है। पिथौरागढ़ नगर के चिमशानाला की रहने वाली पूर्णिमा जोशी की अचानक तबीयत खराब होने से आज उन्हें हेलीकॉप्टर के माध्यम से हायर सेंटर ऋषिकेश ले जाया गया। हृदय रोग के चलते आज पूर्णिमा देवी का स्वास्थ्य अचानक बिगड़ने लगा, जिसको देखते हुए चिकित्सकों ने उनके परिजनों को महिला को हायर सेंटर ले जाने के कहा, जिस पर परिजनों ने भाजपा महामंत्री राकेश देवलाल से संपर्क किया और उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उड्डयन सचिव सी रविशंकर तथा जिला प्रशासन से वार्ता कर हेलीकॉप्टर की व्यवस्था कराकर महिला को ऋषिकेश एम्स भिजवाया। समय से हेलीकॉप्टर की व्यवस्था कर बीमार महिला को हायर सेंटर भिजवाने के लिए वार्ड मेंबर अनिल जोशी सहित परिजनों ने शासन प्रशासन व भाजपा महामंत्री का आभार व्यक्त किया है। जिले के सीमांत तहसील मुनस्यारी से भी आज एक महिला की तबीयत बिगड़ने पर उसे भी मुनस्यारी से एयरलिफ्ट कर हायर सेंटर ले जाया गया। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के रहने वाले दीवान सिंह राम सिंह सोन की अगुवाई में महाराष्ट्र के पालदार जिले में जोहारपाड़ा तालुका के ओझर गांव के प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय के जरूरतमंद एवं आदिवासी बच्चों को देवभूमि लोक कला उद्गम चैरिटेबल ट्रस्ट एवं लिटिल एंजल फाउंडेशन द्वारा पाठ्य सामग्री, फीस, स्कॉलरशिप एवं अन्य सामग्री का वितरण किया गया, जिसको लेकर बच्चों के अभिभावकों ने ट्रस्ट के सदस्यों का आभार व्यक्त किया। गौरतलब है कि देवभूमि लोककला उद्गम चैरिटेबल ट्रस्ट और लिटिल एंजल फाउंडेशन समय समय पर इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन कर जरूरतमंद बच्चों एवं वृद्धजनों की मदद के लिए लगातार कार्य करते आ रहे हैं। इस अवसर पर दीपा सोन, महेंद्र कुमार संधवी, प्रियंका बोबडे, जया गोविंद बिष्ट, गायत्री बिष्ट, पूजा पिलखवाल, नलिनी बहादुर मेहता, फकीर सिंह, नीलम शर्मा, सुनीता जोशी, मधु पैन्युली, हेमा सिंह, पुष्पा भट्ट, योगेंद्र बिष्ट, दिलवर रावत सहित अन्य सदस्य शामिल थे। मुक्ति इंडिया फाउंडेशन द्वारा सीमांत जनपद में जरूरतमंद व्यक्तियों को गर्म कपड़े सहित अन्य सामग्री तथा महिलाओं को कपड़ों के साथ सैनिटरी पैड वितरित किए गए। साथ ही संस्था सदस्यों द्वारा प्रतिमाह महिलाओं को सैनिटरी पैड वितरित किए जाने की बात कही। बता दें कि फाउंडेशन के सदस्य समय समय पर निर्धन व जरूरतमंदों को दैनिक व आवश्यक सामग्री वितरित करते आ रही है। इस अवसर पर संस्था के राज्य समन्वयक दीवान सिंह, डॉक्टर लोकेश जोशी सहित अन्य सदस्य शामिल थे। संस्था द्वारा भविष्य में भी इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करने का भरोसा दिलाया गया। पिथौरागढ़ के अशोकनगर से बेलतड़ी मोटर मार्ग के शासनादेश जारी होने की सूचना पर क्षेत्रवासियों ने खुशी व्यक्त करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्थानीय विधायक मयूख मेहर का आभार व्यक्त किया है। आज मार्ग के शासनादेश जारी होने की सूचना मुख्यमंत्री कार्यालय से विधायक मयूख मेहर को दी गई।
बता दें कि अशोकनगर बिलतेड़ी सड़क की मांग ग्रामीण बीते लंबे समय से करते आ रहे थे, जिसको लेकर आंदोलन भी किया गया। आश्वासन के उपरांत ग्रामीणों का आंदोलन समाप्त हो गया, लेकिन मार्ग बनाए जाने को लेकर कोई पहल नहीं हुई। ग्रामीणों ने मार्ग की समस्या को विधायक मेहर के सम्मुख रखा, जिस पर विधायक मेहर की अगुवाई में लोनीबी कार्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन किया गया। शीघ्र शासनादेश जारी करने का मुख्यमंत्री द्वारा दिलाए गए भरोसे के बाद आंदोलन स्थगित किया गया। आज मुख्यमंत्री कार्यालय से विधायक मेहर को सड़क के शासनादेश जारी होने की सूचना देने पर क्षेत्रवासियों ने खुशी व्यक्त करते हुए विधायक के प्रयासों की सराहना करते हुए आभार भी व्यक्त किया है। पिथौरागढ़ के मुंशियारी में नेहरू युवा केंद्र की स्वयंसेवक पूजा की अगुवाई में बृहद सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान स्वयंसेवकों ने लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करते हुए अपने आसपास सफाई रखने की अपील की। स्वयंसेवकों द्वारा मंदिर मार्गों सहित विभिन्न स्थानों में फैले कूड़े को एकत्र कर नष्ट किया गया। पिथौरागढ़ के पचमिनी वाहनी एचोली में आज वाहनी का 59वां स्थापना दिवस विभिन्न कार्यक्रमों के साथ धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि दीपिका बोरा ने कार्यक्रमों का शुभारंभ करते हुए वाहनी के अधिकारियों और जवानों को शुभकामनाएं दी। इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में अव्वल स्थान प्रतिभागियों को अतिथियों द्वारा सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उप कमांडेंट नागेंद्र कुमार यादव व प्रशांत कुमार मिश्रा, सहायक कमांडेंट संतोष लाल, समीर राणा सहित कई अधिकारी व जवान मौजूद थे। पिथौरागढ़ के धारचूला विकासखंड के अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज परम में बीते दिनों से बच्चों के बेहोश होने को लेकर प्रधानाचार्य मनीष मिश्रा द्वारा दी गई सूचना पर आज मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर HS यांकी के निर्देशन में मनोचिकित्सक डॉक्टर ललित भट्ट RBS के टीम द्वारा संयुक्त रूप से विद्यालय का निरीक्षण किया गया और विद्यालय परिसर में आयोजित स्वास्थ्य शिविर के दौरान बेहोश होने वाले बच्चों की काउंसलिंग की गई। इस दौरान मनोचिकित्सक ने बताया कि यह कोई जानलेवा बीमारी नहीं है, केवल अत्यधिक तनाव व पारिवारिक समस्याओं तथा किसी उत्पीड़न के कारण हो सकती है। उन्होंने प्रधानाचार्य को प्रार्थना सभा में बच्चों का मनोबल बढ़ाए जाने की गतिविधियाँ कराए जाने की बात कही। बता दें कि विद्यालय की कुल छात्र संख्या 365 है, जिसमें 194 बालक और 171 बालिकाएं हैं। बीते 4-5 दिन पूर्व एक बालिका बेहोश हुई थी, जिसे देखते हुए अन्य बच्चे भी बेहोश होने लगे थे, जिस कारण विद्यालय में भय का माहौल बना हुआ था। शिविर में मोहित पंत, डॉक्टर गोतेंद्र सिंह, डॉक्टर गिरीश रिंगवाल, महेश पाटनी, मयंक करकाल, पुष्पा गर्ब्याल, लक्ष्मी वल्द्या आदि शामिल थे। सोर वैली पब्लिक स्कूल पिथौरागढ़ CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। कंप्यूटर लैब सहित सभी कोर्सेज के लिए प्रोजेक्टर स्लाइड्स और साइंस लैब के साथ वेंटिलेटेड क्लासरूम्स और ऑर्गेनाइज्ड लाइब्रेरी इस स्कूल को वर्तमान में सभी बच्चों की पहली पसंद बनाता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हमारे पिथौरागढ़ समाचार न्यूज यूट्यूब चैनल पर नियमित खबरें सुनने के लिए हमसे जुड़े, समाचार सुने। धन्यवाद।